एक बार हम ले लद्दाख घूम रहे थे, कहती भैया बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसे पहाड़। मैं क्या बताऊँ, मैंने ग्लव अपने खड्डे में फेंक दिए। नीचे आपको लाइट दिख रही होंगी, वहाँ से चढ़ रहे हैं लोग। इतनी ज्यादा हाइट में हमारी फटी पड़ी है, बोला भी नहीं जा रहा है। हेलो एमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम ओएमजी व्लॉग्स। हमें पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि यार ये सो रहे थे, मैं मुक्ति दी और ओंकार में, हम तीनों को नींद नहीं आई है। आपने हमें रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब हमारे यार मुझे खुद टेंट में सोया पड़ा था, ये मुझे पता है। अरे झूठ बोली यार, पैर एकदम पैर इतने ठंडे थे, रात भर इतना अनकम्फर्टेबल था, और स्लीपिंग बैग पता नहीं थे क्यों थे क्या थे। मुझे लग रहा है हम टेंट के अंदर सोए हैं, टेंट के बाहर भी सोया तो भी इतनी ठंडी होनी थी। बहुत बुरा हाल हुआ। अभी सुबह से 7:30 के आसपास हो रहे हैं, उठे हम और लेमन टी भी बनी हुई थी सुबह सुबह वो पिए, और ये देखो सामने का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। Let the day slip away in the golden hour. We've got nothing but time and music. बस यही एक चीज है जिसकी वजह से हम बस खड़े हुए हैं। मोटिवेशन मिल रही है, जिससे मोटिवेशन मिल रही है। मुक्ति तो बाहर ही नहीं निकलने मेरी टेंट से, इतनी ठंड लग रही है उसको। हेलो मुक्ति। यार गाइस मैं आपको एक अपना वो बताना चाहूंगी, क्या बोलेगा उसको, एक्सपीरियंस। रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। अच्छा। 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे मुझे नींद ही नहीं आई, और मैंने पहले रात को जैकेट ही पहन दी, जैकेट पहन ली। उसके बाद मैंने ना शॉल पूरे अपने इधर उधर लपेटा हुआ, देखो मैंने शॉल लपेटा, पैरों में 2-2 सॉक्स पहनी, और उसके बाद सॉक्स की डायरेक्शन चेंज की, ऊपर वाले सॉक्स नीचे पहनती, नीचे वाले ऊपर पहनती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। उसके बाद फिर मैंने एक अलग से जैकेट निकाल के अपने पैरों में, बाजुओं में पैर घुसा लिए, फिर भी मेरी ठंडी रुकी, मेरी नींद ही नहीं आई पूरी रात। और रात को मेरे को ऐसा लगने लगा मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई, मैं सोचने नहीं कहाँ फंस गई। अरे यार इतनी ठंड लग रही थी, मैं कांप रही हूँ ऐसे कर। और आपको पता है भुगते थे कितनी बड़ी डेयर डेविल है। रात को जो पूरे हम कोजी हो गए, ठीक है, हमने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया अपने आपको स्लीपिंग बैग में, दीदी फिर होती है मेरे को सुसू आ रही है, मैं कहा दीदी या तो रोक लो या अभी कर लो। फिर दीदी उठी और दीदी सुसू करके आई है रात को। मैं होती मैं तो कभी ना उठती भाई, मैं तो सोती रहती। अब बोलना बंद करो मेरे हाथ जम गए। तो गाइस नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, क्या क्या बना है? आलू के साथ ना आलू की सब्जी। क्या बात है, प्लेन पराठा विद आलू सब्जी। भाई साहब एंड गल बात कर दी है, यहाँ पे धूप ने दर्शन दे दिया हुआ है, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ऑन द हाउस। जाके हमारा जो नेक्स्ट डे का ट्रैक है वो शुरू हो चुका है, और ये रही हमारी टीम। और ये अच्छी बात है, धूप निकली हुई है। हाँ। मौसम थोड़ा सा गर्म है। ये जो बर्फ दिख रही है ना आपको, ये ब्लैक आइस है, ये दिखने में नॉर्मल लगती है, बट एक बार इस पे पैर चला गया ना नीचे। हाँ, ये बहुत डेंजरस आइस है, पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही, पूरी स्लिपरी पूरी स्लिपरी। अभी चढ़ाई चढ़ के एक बार फिर से हम आ चुके हैं जुड़े के तालाब पे, और कल जिस टाइम हम आए थे कोई नहीं था यहाँ पे, और अब देखो भाई रश ही रश पूरा भरा पड़ा है। फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे, मॉडल आज टी शर्ट में, फोटोग्राफर अदित गौतम। और एक चीज जो कि हम ऑलमोस्ट हर एक ट्रैवलिंग वाले व्लॉग में बोलते हैं, आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना जो कूड़ा है अपने साथ रखो, जहाँ पे अगर आपको डस्टबिन मिले वहाँ पे जाके फेंको। सही बोल रही है, हमने भी अपना कूड़ा अपने साथ रखा हुआ है, ये हमारा कूड़ा हमारे साथ है। आदित्य जैसे वहाँ पे किसी ने बॉटल्स फेंकी हुई है, रैपर्स वगैरह सब नीचे जमीन पे फेंके हुए हैं। सही, इतना सुंदर तालाब है, उसके ऊपर प्लास्टिक की बोतलें। हाँ। चेरी ऑन द केक तो नहीं है। हाँ। मतलब यहाँ पे हर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, फिर भी उधर ही फेंका हुआ है लोगों ने, व्हिच इज वेरी बैड। तो भाई साहब दोबारा से एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई हुई है। सही बात है ना, पर यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी है, जो ये वाला नया रास्ता है, यहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा डेंस है, जो कि बहुत मजा आ रहा है देखने में। अभी आ रहा है मजा, वो ऊपर बर्फ शुरू हो जाएगी दोबारा से। ओहो पीछे बर्फ है। आइए आइए, चलो 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 चलो। पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक के आज पहले टी पॉइंट पे, और अब पता लग रहा है कि केदारकंठा ट्रैक पे कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं। कल थोड़ा शांत माहौल था, आज पूरा रश ही रहा। और अभी भैया ये बोल रहे थे कि कंपैरेटिवली रश काफी कम हो गया। अच्छा, मतलब अगर ये कम रश है तो ज्यादा में पता नहीं कितने लोग आते हैं। सब बंदे ही बंदे, बंदे ही बंदे, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। वो हर ग्रुप को यही बोलते हैं। हाँ, उनका पेट डायलॉग है वो। अच्छा, इस बार तो रश कम है, अब सही टाइम पे है। It's
पिछले दो दिन से ना कोई नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे चढ़ाई चढ़ के एक पॉइंट आया जहाँ पे नेटवर्क है और सारे लगे हुए फोन पे। आदि आ रहा है इंटरनेट? हाँ, दो डंडियाँ आ रही है। व्लॉग अपलोड कर दे। वही कर रहा हूँ, लोड हो रहा है पर मुश्किल लग रहा है मुझे। वो कह रहे फोन हो जाएगा बट शायद नेट नहीं चलेगा। तो जी इस ट्रैक के टाइम पे हम व्लॉग जो है वो पब्लिश नहीं कर पाए, अपलोडेड है, पब्लिश करना है, तो वो सिर्फ नेटवर्क ना होने की वजह से है। फाइनली जाके सुंदर वाली बर्फ शुरू हो चुकी है यहाँ ना, जंगलों में वो नहीं आ रही धूप ज्यादा। हाँ तो ठंड भी लग रही है। हमारे लेफ्ट में भी बर्फ, राइट में भी बर्फ, अब ऊपर पूरी बर्फ शायद, उम्मीद है। हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे गाइड भैया हमें बता रहे हैं कि वो जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर वो है केदारघंटा टॉप। ओ भाई जो सुबह जा रहा है हमने ये वाला, हमने भी इससे क्लाइम करना है। ओके, और बगल वाले रीज से डाउन होना। अच्छा। उसी रीज से भी हम डाउन हो सकते हैं, हम रूट को देख के करेंगे कल। ठीक है, मंजिल देख गया हमको, आज तक भी जा रही है बस। भाई देखने में ऐसा लग रहा है ज्यादा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है भाई, है ना? रात को जा रहे ना, रात को जाना है। गेम एक ऐसी भी है कि अगर अपनी मंजिल को देखकर धक धक नहीं हुई, डर नहीं लगा, फिर काई की ट्रैकिंग करी यहाँ से, है ना? सही बात है। ओ, 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 गिर जा गिर जा गिर जा, ये मैंने अभी बनाया है। चलो शुक्र है कैंप साइट आई, और है क्या बढ़िया धूप पड़ रही है मुंह पे। और अभी 2 बजे हमें मिलेगा लंच, तब तक थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ स्नैक्स वैक्स खाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं कि यही वाली कैंप साइट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, तो किसी और का भी हो सकता है ये वाला। भाई साहब ये रहे हमारे ऑरेंज ऑरेंज कलर के टेंट। भैया रात जैसे ठंड ना लगे, हमें तो नींद ही नहीं आई। ठंड ये वाले ले लो, ये ज्यादा बेटर है। व्यू गजब है यार। तो गाइस व्यूज आर अमेजिंग। टेंट से जिप खोलेंगे सीधा पहाड़ देखेंगे, हगेंगे जिप खोलेंगे सीधा पहाड़ देखेंगे, कुछ भी करेंगे पहाड़ देखेंगे। ठीक है ना, इतनी दूर आए यही देखने, कुछ भी करना पहाड़ देखना, खाना खाएंगे यहाँ पर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इंडिया में किसी कोने में चले जाओ, मोमोज हर जगह मिल जाएंगे। भाई साहब सिर्फ एक ही था, एंड आई एम द लकी वन। थैंक यू भाई। नहीं मेयोनीज नहीं, सिर्फ तीखी चटनी। नहीं दिल्ली में रह चुका हूं। ठीक है। ओहो मैगी, हमने तो ऑमलेट खा लिया भाई। लाते मोमो खा के मजा आ गया इस व्यू के साथ। और ले लो कहीं मिल रहे होंगे तो। और अभी हमें यहाँ पहुँचने में लगे हैं अराउंड 2 घंटे ऊपर आने में। हमारा छोटा था, सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का था। और कल के दिन जो हमें रात को ट्रैक करना वो है 4.5 किलोमीटर का, और वो रात को करना है। रात को 2 बजे निकलेंगे, और वो भी काफी ऊंची पीक है जैसे आपको दिखाई थी हमने। बट अभी ये है कि रेस्ट करना है, लंच करना है, और ये है कि शाम को नींद आ जाए ना तो रात का ट्रैक शायद थोड़ा इजी हो जाए। और सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ हर जगह ऑमलेट मिल रहा है। हाँ। मतलब मेरा तो प्रोटीन सोर्स पूरा हो रहा है, प्रोटीन सोर्स पूरा हो रहा है, और एक तरह से हेल्दी भी होता है कहीं ना कहीं। दादा मैगी वैगी खाने से अच्छा तो एक ऑमलेट खा लो, तो दैट इज वे बेटर। आज ना हमारा जो लंच है वो किसी टेंट वेंट में नहीं है, आज हम लंगर कर रहे हैं, तो ओपन लंगर। क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ, ठंडी ठंडी हवाओं में खाने को ठंडा करके खाएंगे। वहाँ पे हमारे बोरे बिस्तर लग चुके हैं, वो देखो वहाँ मैट लग चुकी है, भैया और तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगी लंगर की तैयारी, सेवा करा दूँ। एक लंगर ना बिना किसी उसके होता है, इसके पैसे दिए हुए, ये सेवा नहीं हो रही है। ये तो पेड लंगर है यार, ये लंगर नहीं है। ये मान लो ना कि तुमने लंगर में वो चंदा देते हैं वैसे दिया था। फील ही ले लो, पहाड़ों की व्यू के साथ लंगर खाएंगे हम भाई, क्या गजब। खाना खाने के बाद ना जो एकदम नींद की झपकी आई ना, मन कर रहा है सो जाए, और हम एक्चुअली में सो चुके हैं क्योंकि रात को हमें 1% नींद नहीं आई। और उसके बाद हमारा जो ग्रुप है हमने सबसे पूछा, ऑलमोस्ट किसी को भी नींद नहीं आई है रात को। और जो ट्रैक हमारा रात को है उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो ट्रैक शुरू होगा रात को 2 बजे, जो कि हम लाइफ में पहली बार करने वाले हैं सारे के सारे। सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो भैया चल तू सोएगी, करिए रेस्ट, अच्छा लग रहा है एकदम गर्मा गर्म ना। बाहर धूप की वजह से ना थोड़ा अंदर वो रखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रखा है, तो अभी गर्मा गर्म टेंट में हम अपनी करेंगे नींद पूरी। 2000 years later भाई साहब इतनी बढ़िया नींद आई ना, ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों नींद पूरी हो गई। 1.5-2 घंटे सो के एकदम फ्रेश हो गए हैं। और आदित्य देखो पता है आज चाय के साथ क्या है? मैगी। आज चल चिल्ला रही है इतनी जोर जोर से, मैगी। पड़ोसियों के टेंट वालों को पता लग गया मैगी है यहाँ। और अभी
अभी ना हो चुका है डेमो टाइम, भैया हमें बताने लगे हैं कि स्पाइक्स और गेटर्स जो वो हमें देंगे उसको कैसे यूज करना है। बताओ भैया। तो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग भैया। ये बेस कैंप, इसकी आइटम मैक्सिमम 10,000 अप्रोक्स, कल जाना हमने 12,500। ठीक है, तो सबको सबसे पहले आता हूँ मैं, वुलन केप सबको डालनी है। ठीक है, एक टॉर्च सबके पास होना। अगर किसी के पास नहीं है, जैसे दो लोग हैं आप, हाँ, तो उसमें से मतलब कर सकते हैं, मतलब एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये माइक्रो स्पाइक्स, ठीक है, ये फ्रंट लिखा होता है इस पे फ्रंट, इसको यूं डालना है और सॉक्स की तरह यूं खींच देना है और ये लग गया पूरा प्रॉपर। ठीक है, नॉर्मल है ये लड़के। माइक्रो स्पाइक तो इस नजर से देख रही है जैसे कि ज्वेलरी हो। स्पाइक्स है पैरों में पहनने हैं। बादशाह एकदम मैड मैक्स वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है बस अभी बस जंग भी जा रहे हैं। ओए हो, पूरे ऐसे रगड़ जूते हों कर भाई, भाई पूरी स्नो ट्रैक वाली फील ले ली हुई है। हाँ। अभी भैया प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं हमें स्नो पे। चलो वो देख आग लगी, कितनी आग लगी। पहले मेरे को लग रहा था बादल है, फिर मुझे ओंकार ने बताया आग लगाई हुई है। तो गाइस द ईयर 2023 हैज कम टू अ स्टार्ट। भैया हमको छोड़ के चले गए, वो कह रहे मस्ती करो, घूमो फिरो और स्नो के आनंद लो। एक्चुअली ऐसी बर्फ ना लंदन में दिखती ज्यादा, तो इसका लंदन। यस, आई हैव सीन लाइक द स्नो इन लंदन। लंदन गई नहीं है, बस वीडियो में देखा था। YouTube पे पूरा गोनिया घूम चुके हैं YouTube पे। हां, एक बार हम ले लेता घूम रहे थे, कहते भैया बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसे पहाड़। मैं क्या बताऊं, जैसे स्विट्जरलैंड साक्षात जाके आई हुई है। बताओ, शर्म ही बेच खाई कुछ लोगों ने। घर भाई हो गई प्रैक्टिस गेटर की पूरी? मैं तो भाई एवरेस्ट चढ़ने वाली तैयारी कर ली हुई है। तो भाई गेटर वगैरह की तो थोड़ी हमने प्रैक्टिस ही कर ली है। इसका फायदा ये है कि अगर आप बर्फ में स्लिप भी होते हो ना, ये ग्रिप कर लेता है अच्छे से। तो दैट इज अ गुड थिंग। अभी ना मुक्ति का फोन लगाना पड़ेगा हमें चार्ज पे, क्योंकि रात को हमने जाना है ट्रैक पे। अगर मुक्ति का फोन में बैटरी नहीं होगी तो जिस मतलब दृश्य को देखने आए हैं वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। यस, और हमने देखना है सनराइज केदारकंठा की पीक से। जल्दी से फोन लगाते हैं चार्ज पे। हाँ भाई बोला अंचल। मैंने ग्लव अपने खड्डे में फेंक दिए। गए खत्म, फेंक दिए, गिर गए। और कुछ तो नहीं गिरा? और कुछ तो नहीं गिरा? कौन से मोटे वाले? तो देर में कुछ दिखाई नहीं दिया मैंने, ऐसे क्यों से? बुलन वाले ग्लव या दूसरे? बुलन बुलन। चलो दूसरे ग्लव तो है ना। मुक्ति क्या कर रही है यार? बस दान करने आई है। पहले इसने अपनी लाइट दान कर दिया कहीं पे, अब ग्लव। वेरी गुड मुक्ति, कीप इट अप। इतना दान पुण्य नहीं करते दीदी? पहले बोलती फ्लश में गिरा दी, मैंने कहा फ्लश है कहाँ? गड्ढा है, गड्ढे में गिरी। डाल के हाथ निकाल लेते। चलो आप जाओ 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 जाओ, आपकी पति का ग्लव गिर गया। कूड़े वाला काम ये करती थी। तो भाई साहब आज बारी आ गई आपको दिखाने की कि ट्रैक में जो किचन होती है वो कैसी दिखती है। यहाँ पे रोटियाँ सेकी जा रही हैं, ये सब्जी वब्जी बन गई हुई है सारी। क्या बात है, क्या बात है। शाम के बज गए हैं 7 और हो चुका है हमारा डिनर टाइम। और आज के मेन्यू में है पीली दाल चावल रोटी, सारा ग्रुप विराजमान होके खा रहा है। होय होय। खाना खाने के बाद अब हम लगे हैं सोने, क्योंकि सुबह कह लो या रात के 2 बजे हमारा फिर से ट्रैक हो जाएगा शुरू, जहाँ से जाके हमें देखना है पीक को। तो अभी सोते हैं, सुबह आपको दिखाते हैं जिस चीज के लिए हमने इतनी ज्यादा एफर्ट की है वो क्या चीज है। मरने के लिए, मरने के लिए। ठंड में मुक्ति का बुरा हाल हो गया, सारी जो लाइट आ रही है ना वो ऊपर मून से आ रही है, मून लाइट। तो गाइस आज की जो सोने की स्ट्रेटेजी है ना, हाँ। वो थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा अलग है। हाँ। आज ना हमारा टेंट थोड़ा सा बड़ा है कल वाले के मुकाबले। तो आज हमने सोचा कि बहुत ज्यादा, जैसे कल हमें ठंड लगी थी, डर लग रहा था रात को, इतनी ठंड लग रही थी, तो हम एक ही टेंट में सो रहे हैं। हाँ। रात को मैं ऐसी बम्पर छोड़ूंगी ना तो मैं गर्मी दूंगी मैं। पर अभी पक्का नहीं है, क्योंकि अभी हम अगर ज्यादा कंजेस्टेड फील हुआ है, ज्यादा टाइट हुआ है, तो फिर मुक्ति को निकाल देंगे। मैं तो नहीं निकलूंगी, मुक्ति निकल गई। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि चारों एक टेंट में सो जाएं। आंचल ने जिप बंद कर दी है, कह रही सोना तो है ही है। भाई साहब ये टेंट में सोना एक अलग ही टास्क है, और यहाँ पे कम से कम रात को टेम्परेचर जाएगा -10 से 12 डिग्री। बहुत फ्रीज है यार, बहुत ज्यादा फ्रीज है। बहुत बुरा हाल है। मरमेड बना दिया हूं कार को मैंने। मरमेड नहीं, ये कैटरपिलर है ये। इसमें से तितली निकलेगी सुबह। तितली नहीं निकलेगा, ड्रैगन निकलेगा। A few moments later. तो गाइस रात के बज रहे हैं अभी 2 और ठंड बहुत बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने अंदर 3-4 लेयर्स पहन रखी हैं और अभी भी मुझे अंदर ठंड लग रही है, और होंठ मेरे इतने ज्यादा फट गए। तो निकलने से पहले लगाएंगे वैसलीन।
मतलब दिन में जितनी बजे ठंडो ट्रैकिंग हो जाती है, रात को पता नहीं कैसे होगी, सांस इतनी ज्यादा चढ़ रही है भाई साहब। अभी जल्दी से फ्रेश वगैरह होते हैं, शायद कुछ भैया खाने को भी देंगे, खाने को पीने को, फिर उसके बाद हम साथ की साथ ही निकल जाएंगे। सो गाइस, मैंने अपने सारे गियर्स वगैरह पहन लिए हैं। ओंकार धावा जी इधर हो रहे हैं तैयार और आंचल शर्मा जी उधर गई है वॉशरूम। और ना मेरे पैर इतने ज्यादा सुन हो गए थे, ऐसा लग रहा है मेरी उंगलियां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करने के बाद ना पैर हल्के से मतलब गर्माहट फील हुई है पैरों में, मतलब इतनी ज्यादा ठंड है ना आपको अपनी उंगलियां ही नहीं फील होंगी। खाना हमारा लग चुका है, खाने में क्या है मुक्ति? देखो आज है दलिया, पोहा और कौन सी टी है? शर्मा प्रकट हुई है। अब हम पहने लगे हैं अपने ग्लव्स वगैरह और हम आपको लास्ट बार बता दें कि हम जाने वाले हैं, ये दिख ही नहीं रही वो वाइट वाइट अगर आपको दिखाई दे रही है उस वाली पहाड़ी पे, और रास्ते में हम बिल्कुल भी फोन नहीं यूज करने वाले हैं। आप चोटी पे? हाँ, ट्रैक शुरू हुए को हमें घंटा डेढ़ घंटा हो गया होगा, हौली हौली चढ़ रहे और भाई साहब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और यहाँ पे इतना ज्यादा रश नहीं है, टॉर्च जो दिख रही है उधर नीचे भी भाई साहब, ये जुगनू नहीं है टॉर्च है। हादी, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ इज द जोश? वेरी गुड। हाउ इज द जोश? आई एम उल्टी करके हटाऊं फिर पहले। हाउ इज द जोश? मैं तो बेब मुश्किल लग रहा है। हाउ इज द जोश? हाय सर। हां ये बात है ना। ट्रैक गाइस धीरे 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 मुश्किल होता जा रहा है, बर्फ और चढ़ाई दोनों बढ़ रही है, पूरी स्नो 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 एवरीथिंग स्नो। आंचल का है भैया, आंचल हाई करो कैमरा को। ओ गाइस, वो टॉप पे हमारी पीक कैमरे में दिख नहीं रही है, बट वहीं कहीं है। सबसे मुश्किल है हार्ड आइस पे चलना, इससे मुश्किल कुछ नहीं है। आप लोगों को पीक नहीं दिख रही है पर बहुत बढ़िया लग रही है। भाई साहब अभी बहुत ऊपर जाना है। कैसी हालत है मुक्ति? हेडलाइट नहीं है इसके पास, अंधेरा लग रहा है, पर काफी लाइट है। उसकी बैटरी निकल रही है भगवान की, वो देख सूरज कितना अच्छा लग रहा है यार, कलरफुल। आंचल हाउस द जोश? लोही है ये, बस ऐसे दिखा रही है। सबसे आगे आंचल चल रही है भाई, व्यू गजब आ रहा है आंचल पीछे तेरे। सनराइज से पहले आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, क्या लग रहा है वहाँ से चढ़ रहे हैं लोग, नीचे आपको लाइट दिख रही होंगी, वहाँ से चढ़ रहे हैं लोग। हमें लगा था ये हमारी आखिरी पीक है, पर अभी एक पहाड़ और चढ़ना है, क्या पता इसके बाद एक पहाड़ और हो भाई, कुछ नहीं पता। अरे भाई साहब तो फिर वहाँ टॉप तक जाना है। Those years ago that never fade away. And I remember your face. भाई जब इस ट्रैक पे आए थे ना तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगा, पर इतना मुश्किल नहीं सोचा। इतनी ज्यादा हाइट पे हमारी फटी पड़ी है, बोला भी नहीं जा रहा है, होंठ सुन पड़े हैं, नाक सुन पड़े हैं, हाथ सुन पड़े हैं, सब सुन पड़े हैं। जब धूप निकलेगी फिर दिखा, धूप निकलेगी तो मजा आएगा। ऊंचे हैं हम, हाँ कितनी हाइट पे हैं, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लोगों को। ओह स्काई लाइन भाई साहब, जिन लोगों को हाइट का अंदाजा नहीं हो रहा ना हम कितनी स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो रहे लोग ऊपर, वो रही पीक। और अभी सूरज नहीं डूबा है और पीछे सनराइज हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। When you hit the ground, I can recall the time and place on a midnight walk. हर हर महादेव। भाई साहब देखो व्यू, आजल बहुत एपिक है, गला सूख रहा है। हम इतना ऊपर तक आए हैं ना, लिटरली हमें दिखा भी नहीं सकता हम कहाँ से आए हैं, इतनी नीचे से आए हैं। ओ भाई साहब, और भी मुक्ति अंदर पसीना पसीनी है, बहुत ठंड है। बादल बहुत नीचे हैं हमसे, ओ भाई साहब वो देखो नीचे बादल, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ पूरा ही पूरा। How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. भाई साहब इतना गजब का व्यू, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ महादेव का मंदिर है, वहाँ माता देखेंगे। हाँ, और इधर आंचल ने आते ही छेड़ना शुरू कर दिया, आंचल और मुक्ति ने कुत्ते को। घर पे तुम कम छेड़ते हो? ये ड्रोन के
पीछे पड़ गया था, मैं पेट्रोल से डिस्ट्रैक्ट कर। फाइनली वो मंजिल आई है जिसका हम 3 दिन से जिसकी चढ़ाई कर रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, इसके लिए हम 3 दिन से इतनी मेहनत कर रहे थे। और लिटरली ठंड लगने लगी है क्योंकि शरीर थोड़ा ठंडा हो गया है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सिग्नल आ रहे हैं, हाँ। तो किसी का फोन वीडियो कॉल करना कुछ करना तो इजीली कर सकता है। किसको करोगे इतनी थकावट में, आप अपने आप से तो बात नहीं हो पा रही है। ये तो बात सही है। ओंकार ना ड्रोन से शॉट्स ले रहा है और जो डॉगी है ना वो मतलब जहाँ पे भी ओंकार जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रही है ये देखने के लिए कि क्या चीज कर रही है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ओंकार फिर से ड्रोन उड़ाने जा रहे उधर और वो डॉगी ओंकार के पीछे 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 पीछे, वो देखो आ गया डॉगी। अब इसकी नजर इसी पे है ड्रोन पे। Balancing on a wavy line, too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. तो ये केदारकंठा हम देखने आए थे सनराइज जो कि हमारे सामने हो रही है। और भाई साहब यहाँ पे इतना ज्यादा रश है ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे। ठंड होगी, हाँ ठंड बहुत है। अभी धूप आ रही है तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पे क्या खा रहे हो, खा क्या रहे हो? जमगी खा रहा था, जमगी हुई है। और तो और अभी हम पानी पी रहे थे और पानी की बोतल के ऊपर बर्फ जमगी हुई थी। बहुत ज्यादा ठंड है पर मजा आ गया ट्रैक करके। एंड आज का जो व्लॉग है इसी के साथ करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, हमारी इस जज्बे के लिए, इतनी मेहनत के लिए, इतनी भीख चढ़ने के लिए प्लीज लाइक कर देना। और कमेंट कर देना जो भी आपका कमेंट करने का मन करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see the